नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल के सेक्टर 14 पार्ट 2 कॉमर्शियल एरिया में बने मस्जिद के साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर की दीवार तोड़े जाने के विवाद के चलते भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मंदिर की ओर से सचिन गुप्ता ने बताया कि साथ लगते मस्जिद में आतंकवादी गतिविधियां पनप रही हैं और कुछ मुस्लिम लोगों द्वारा मंदिर की दीवार को नुकसान पहुंचाया गया और हिंदू समाज के लोगों की पुलिस में शिकायत भी दी गई, जिसके चलते आज यहां सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे। तहसीलदार राजबक्ष एवं डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर विवाद को शांत किया गया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि मंदिर और मस्जिद के पास किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते मौके पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल द्वारा पहुंचकर स्थिति को काबू कर लिया गया और मामले को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। यहां पर हनुमान मंदिर में कुछ पिलर लगे हुए थे, कुछ शरारती तत्वों ने ये पिलर कल रात को तोड़ दिए। उस विषय पर सुबह हिंदू समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ और इस पिलर को दोबारा लगाया गया और अभी सारा प्रशासन अमला यहाँ आया हुआ था और हम प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन ने कहा कि ये पिलर अब लग गए हैं, ऐसे ही लगे रहेंगे। और हमारी प्रशासन से मांग है, जिन शरारती तत्वों ने रात के अंधेरे में ये पिलर मंदिर के तोड़े हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। कौन लोग, ये हिंदू समाज आपसे आह्वान करता है, कौन लोग हैं जो तोड़ने वाले? ये ऐसी जानकारी अभी नहीं मिल रही, अज्ञात हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पता चले और हम प्रशासन को बताएं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही हमारा यही कहना है कि जो शरारती तत्वों ने पिलर को तोड़ के करनाल शहर की आबोहवा को बिगाड़ने की कोशिश की, स्वाद्र की, धर्म की, और बाबा भोले के सावन के इस माहौल में शिवालय के आगे लगे हुए पिलर जो कि शेड डालने के लिए लगे हुए थे, उनको वो तोड़ा उन्होंने। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि वो इस विषय में संज्ञान ले और उस व्यक्ति की तलाश करके उसको गिरफ्तार किया जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? बस यही बात है, मतलब जिन्होंने हमारे शिव मंदिर के पिलर तोड़े हैं, बस हमारी प्रशासन से मांग है कि उनको उनकी तरफ मतलब किया जाए, उनको मतलब पकड़ा जाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जातीय विवाद फैल सकता है इससे, धर्म का। हाँ, इससे जातीय विवाद फैल सकता है, लेकिन क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि हम सब एक रहें, भारत एक है, मतलब ऐसी कोई चीज ना फैले हमारे में ताकि आगे दिक्कत आए किसी को भी, सिर्फ उन्हीं को पड़ जाए जो ये चीज़ फैलाना चाहते हैं कि कौन है लोग। मैं असामाजिक तत्व, मुस्लिम समाज के आदमी आतंकवादी गतिविधियाँ चलाते हैं और इनके कुछ आदमियों ने कल हमारे मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करी और तोड़फोड़ करने के बाद में हमारे मंदिर के ही खिलाफ इन्होंने झूठी शिकायत दी, तो आज ये हिंदू समाज के आदमी हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। क्या मांग करते हैं सर? कानूनी एक्शन की मांग करते हैं, प्योर लीगल एक्शन। क्या नाम है जी आपका? सचिन गुप्ता। क्या है आप? यहाँ पर एक सेक्टर 14 का जो कमर्शियल पार्ट है उसके अंदर दो पक्षों के मध्य मंदिर और मस्जिद निर्माण के लिए कुछ इश्यूज उत्पन्न हो गए थे, तो प्रशासन इस मामले में आया था। दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दी है कि वो प्रशासन के आदेश के बिना यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। थैंक यू। स्थिति नियंत्रण में, बिल्कुल नियंत्रण। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।